तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को केवाईसी करना एक तरीका बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो केवाईसी अभी तक नहीं किया। आपको दो अकाउंट तीन अकाउंट क्योंकि कैशबैक कमाने के लिए हमें केवाईसी करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें आपको 20 रुपये का रिचार्ज भी मिलने वाला है, प्लस आपको गिव अवे भी मिलेगा। तो जिसको रिचार्ज मिलेगा उसको गिव अवे नहीं मिलेगा, ये पहले मैं बता दूँ। जिसको रिचार्ज मिलेगा उसको गिव अवे नहीं मिलेगा। आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कितने का मैं रिचार्ज कर सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं कितने का भी रिचार्ज कर दूँगा। तो आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी जाके आपको समझ आएगा। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, प्लीज़ छोटी सी वीडियो रहेगी, 5 मिनट की वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इतनी सी वीडियो आप देख सकते हैं। 5 मिनट तो थोड़ा सा आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट से आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि कुछ इन्वेस्टमेंट ही आप करेंगे। वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज होगा। तो प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, जितने व्यूअर हैं सारे, प्लीज़ आप 5 ही मिनट देखिए, 6 मिनट देखिए, 5 मिनट कम से कम आप देख लीजिए। बस उससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, बस 5 मिनट करके आप देख लीजिए, जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो मैं आपको केवाईसी करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ, जिसमें आपको नहीं बीसी एजेंट के पास जाना है, और एक बढ़िया सा प्रोमो कोड भी बताने वाला हूँ जो सभी अकाउंट पे एप्लीकेबल है। दो यानी 1000 रुपये का एक प्रोमो कोड है और एक बढ़िया सा एक ऑफर है, तो आप देखिएगा प्लीज़। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये मेरा फुल केवाईसी अकाउंट है, यहाँ पे आप देखोगे फुल केवाईसी है। अब मैं दूसरा अपना अकाउंट एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला मेरा केवाईसी नहीं है, इसके अंदर मेरा केवाईसी नहीं है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम क्या करते थे, ऊपर सर्च बार में जाते थे, पेटीएम जहाँ लिखा है वहाँ पे हम जाते थे और एक केवाईसी लिखते थे। केवाईसी सर्च करके हमारे पास एक केवाईसी का पेज आता था, तो यहाँ लिखा आता था 200 रुपये कैशबैक। पर अब यहाँ नहीं जाना हमको, अब मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया सी जगह। तो यहाँ पे जिसका केवाईसी नहीं किया, आप प्लीज़ जाके आप सबसे पहले एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए पेटीएम को। और वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, उसके सही आंसर दीजिएगा और विनर बनिएगा। हमारे 10, 20 या 30 रुपये के रिचार्ज आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। जियो का नहीं देना है, बाकी आप दूसरे अदर ऑपरेटर का आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जब आप स्लाइड करेंगे तो लिंक आधार UPI के बगल में है, लिंक आधार KYC यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, KYC लिंक आधार, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं बता दिया ऊपर सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहीं पे डायरेक्टली स्लाइड करके लिंक आधार का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंपली फंडा है देखिए, आप बिल्कुल, आपको अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। ऊपर एक ऑप्शन है यूज आधार गवर्नमेंट ID, यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड ID, जो भी आपके पास है वो आप दे के फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। बट जैसे KYC के लिए, अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो इंडिया के बाहर तो वैसे ही पेटीएम चलता ही नहीं है, कनाडा को छोड़ के। तो मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ, आपके पास अगर गवर्नमेंट आईडी ES आधार कार्ड नहीं है तो आप वो सब यूज कर सकते हैं, बट आधार कार्ड के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अगर आधार कार्ड है तो आप कोई सा भी एक आधार कार्ड अपना डाल दीजिए, मम्मी पापा अपना, उसके बाद यहाँ पे आप वही आधार कार्ड पे जो नाम है वही लिख दीजिए। तो मैंने ये लिख दिया आशुतोष कुमार, आई एग्री आपको कर देना है, यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ से आगे तो प्लीज़ एंटर वैलिड, तो वैलिड डालता हूँ, मुझे कंफर्म तो है नहीं क्या है मेरा, तो क्योंकि मैंने वैसे भी करवा रखा है। तो यहाँ से फिर से वैलिड कोई सा एक डाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए ये वाला डाला तो सक्सेस हो गया, आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे ये मेरे से लोकेशन पूछा तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो एट योर नियर बाई KYC पॉइंट, सबसे पहला ऑप्शन ये आया है एट योर नियर बाई KYC पॉइंट। यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं वैसे किसी में, देखिए OTP वाला यहाँ पे अभी नहीं आएगा, OTP फ्रॉम UIDAI फॉर EKYC कुड नॉट बी डिलीवर, तो ये अभी हमारे को नहीं डिलीवर कर सकता है। पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे एक OTP वाला ऑप्शन भी था, बट अब ये वाला है और आउट एट योर डू स्टेप, तो और एक ये वाला, तो ये वाला मैं करता हूँ। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे जितने भी आपके नियर में आपके आसपास में है ना, सारे का यहाँ पे एक एक करके दिखा रहे हैं, देखिए जितने का भी। आप यहाँ से डायरेक्टली डायरेक्शन देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल के बटन पे टैप करेंगे आपका यहाँ पे कॉल का एक ऑप्शन खुलेगा, ये नंबर है, इस नंबर पे आप पूछ लीजिएगा कि हाँ KYC होता है भैया कि नहीं होता है, अपने आप वो बता देगा और उसके पास चले जाएगा। और उसके बाद एट योर डू स्टॉप, आपके घर पे आके वो KYC करेगा, तो इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस ब्लर है मेरा, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट विजिट पे करेंगे तो वैसे ही आपके घर पे आ जाएगा, आपसे एड्रेस वगैरह, आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी और आधार कार्ड अपना रियल वाला रखिएगा, आपका
100% वो कर देंगे, अंगूठा लगा के या जो भी आप वो उनका जो काम होगा वो अपनी तरीके से कर देंगे, आपका फुल बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपको मैंने बता दिया KYC आप कैसे कर सकते हैं, और एक ऑफर था कि इसमें आप रिचार्ज भी कर सकते हैं फ्री में। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक रिचार्ज करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई सा भी एक नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे कोई सा एक नंबर आया नहीं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी एक नंबर, और उसके बाद यहाँ पे मौजूदा ऑपरेटर किसी का भी, जैसे चेन्नई मैंने डाल दिया, तो अमाउंट डाल देता हूँ मैं 20 रुपये। तो यहाँ पे एक ऑफ़र जो है वो मंथली 10 का भी एक है, तो यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ, पहले 20 रुपये का करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे प्रोमो कोड डालना है। प्रोमो कोड आपको यहाँ पे अभी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना है मंथली, अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो मंथली 20, तो ये लगा देंगे MONT और सॉरी यहाँ पे HLY 20। हाँ, इस तरीके से अप्लाई करना है आपको यहाँ पे MONT, अब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो है, यहाँ पे 20 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आपको गोल्ड बैक में मिलेगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ, और एक और ऑफ़र है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ MON, ये सब पे अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है बट हो जाएगा MON। तो आपको मंथली 10 लगाना है। दिस ऑफर इज़ वैलिड ऑन फर्स्ट रिचार्ज, देख रहे होंगे आप, पढ़ रहे होंगे, दिस ऑफर इज़ वैलिड ऑन फर्स्ट रिचार्ज और बिल पेमेंट। अगर मंथली 10 लगाते हैं तो पहला रिचार्ज होना चाहिए, बट मैंने इससे रिचार्ज कर लिया, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो पहले आप रिचार्ज कर लीजिएगा मंथली 20, फिर मंथली 10 लगा के इकट्ठे हो जाएगा 30 रुपये का। या ऐसा किसी किसी में शो हो रहा हो कि मंथली 20 अब ख़त्म हो चुका है, तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब मंथली 10 उसकी जगह आ चुका है। एक और ऑफ़र मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये ऑफ़र यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, KYC जिसका हो है उसी में हो सकता है। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको 1000 रुपये आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।